Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Divyanshi and I hope all of you are doing absolutely amazing. So today's video is about my experiences as a cabin crew. In these 2 years, I've met a lot of people. बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारी फ्लाइट्स करी हैं, अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों के साथ काम किया है, अलग अलग नेशनैलिटी के लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है फ्लाइट में. सो आई एम गोइंग टू टेल यू माई टू एक्सपीरियंसेस आज की वीडियो में. वन इज़ द बेस्ट पैसेंजर I've met in these 2 years, and the second one will be the worst passenger experience. So, best and the worst passenger experience for me as a cabin crew. Let's get started. So, first, I'll tell you the best experience. It was a Nepal flight, Doha to Kathmandu and Kathmandu to Doha. So, it was a turnaround flight, not a layover. So, we were supposed to stay in Kathmandu for like 2-3 hours while the aircraft gets replenished, puri safai hoti hai wapas se, and the catering is done and everything. So, we were supposed to go to Kathmandu and then come back to Doha the same day. It was a turnaround flight. And I think it is around a 4-hour flight, 3.5 or 4 hours flight from Doha to Kathmandu, almost same as India. So there was this couple, Nepali couple. They were very old, aur unhe English nahi aati thi, and they were very old, like maybe in their late 70s. So उन लोगों को इंग्लिश में बात करना नहीं आता था और मुझे नेपाली नहीं आती है और मुझे बहुत थोड़ी थोड़ी नेपाली समझ में आती है बिकॉज आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हुआ नेपाली बट इतना नहीं समझ में आता है. जब वो लोग जल्दी जल्दी बात करते हैं तो नहीं समझ में आता है मुझे. एंड हिंदी उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आती थी बट वो वापस हिंदी में रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे. तो सेम मुझे नेपाली थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है लेकिन मैं नेपाली में वापस रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ और उनको हिंदी समझ में आ रही है लेकिन वो हिंदी में वापस जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो नेपाली में आंसर कर रहे हैं. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड देवर इन माई जोन एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम देवर फ्लाइंग. तो उनका पहला फ्लाइंग एक्सपीरियंस था ये, नॉट विथ कतर एयरवेज, इन जनरल लाइक उनका पहला फ्लाइंग एक्सपीरियंस था इन लाइफ. पहली बार वो बैठे थे और वो उनकी फ्लाइट थी फ्रॉम काठमांडू टू दोहा एंड फ्रॉम दोहा टू देवर गोइंग टू यूएस अपने बच्चों के पास. आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर बट टू यूएस, दैट्स व्हाट आई नो. तो मेरा तो दोहा तक का ही उनके साथ था जर्नी और उसके बाद वो लोग यूएस जाने वाले थे दूसरी फ्लाइट में, ट्रांजिट फ्लाइट थी. तो वो लोग जब फ्लाइट पे आए तो ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे से ग्रीट किया एंड एवरीथिंग नॉर्मल जैसे सारे पैसेंजर्स को करते हैं, सब कुछ किया. वाइल सिक्योरिंग आई गॉट टू नो कि इनको, ये लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी. सो आई हेल्प देम विद द सीट बेल्ट एंड एवरीथिंग क्योंकि दे वर न्यू, वो समझ में आ गया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पुट द सीट बेल्ट ऑन एंड एवरीथिंग. तो उनको वो सब करके दिया. एंड एक होता है ना, वो बार बार कुछ ना कुछ मांग रहे थे, समझ में आ जा रहा था, पानी मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, उनको सामान मैं लाकर दे रही थी. बट एक होता है ना, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जब तुम्हें बहुत बार कोई चीज मांगता जाता है, कस्टमर बहुत डिमांडिंग है ये वो फ्लाइट इन जनरल इट्स वेरी डिमांडिंग फ्लाइट. बट फॉर देम वो वाइब नहीं आ रही थी, इरिटेशन वाली, इरिटेशन ही नहीं हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि ठीक है इनके लिए कर दो बिकॉज दे वर सो स्वीट. I did everything for them, like I served them whatever they wanted. I put the seat belt on for them. Unko movie laga ke diya. They wanted a Nepali movie, which unfortunately we do not have on our in-flight entertainment systems. To unko maine Hindi movie laga ke di aur headphones connect karke diye, sab kuch karke diya. So aise to hum bahut baar bahut logon ke liye karte hain, right? But the point is that later while leaving. And also they wanted a window seat. So window seat वैसे तो available नहीं थी, but there was one window seat available. So I somehow managed to shift the customer जो middle seat पे थे, उनको shift करके side में करके इन दोनों को मैंने window seat पे shift कर दिया. और उसके बाद while leaving, when they were leaving the aircraft, और मैं तो अपने zone में कर रही थी post flight duties. बट ये लोग जब एयरक्राफ्ट से जा रहे थे, सो डोर पे बाहर डिसएम्बार्केशन के टाइम पे आर सुपरवाइजर वाज स्टैंडिंग देयर एंड दीज पीपल दे ट्राइड टू टेल द सुपरवाइजर दैट आई सर्व देम वेल एंड दे वर सो हैप्पी विद द सर्विस एंड एवरीथिंग बट अगेन दे टोल्ड हर इन नेपाली. तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आया सुपरवाइजर को, बट लेटर शी केम टू मी एंड देन शी आस्क्ड एंड आई टोल्ड हर देयर इज नथिंग, दे आर नॉट अपसेट, दे आर वेरी हैप्पी एंड इट्स जस्ट दैट दे माइट बी टेलिंग यू दैट इट वॉज अ गुड experience flying with Qatar Airways or something like that, but I'm not sure.
Whatever, we forgot about it and then we moved on with our lives. And later, actually, while leaving, they hugged me, they kissed me on my forehead, and they were so happy with the service and with me and with the company and everything. But later, we forgot about this experience and we moved on with life. After 1 month, I get this email from the company that there was this couple traveling and somebody has wrote a kafu. Kafu in Arabic means a job well done. So whenever somebody compliments us, gives us a compliment online on the official website, we receive a kafu. So उन्होंने उस फ्लाइट नंबर के साथ we received an email from their son saying that my parents were traveling on so and so flight and there was this crew named Divyanshi and one more crew. I won't name her here, but for two of us, and they sent this email that my parents were traveling on so and so flight, and there was this crew on their in their zone. Her name was Divyanshi, and she served them so well. She took so much care of my parents. मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि फ्लाइट में तो मैंने जो किया वो किया, इट वॉज माई ड्यूटी, बट घर जाने के बाद दे एक्सप्लेन इट टू देयर किड्स. सो इमेजिन हाउ मच ऑल ऑफ दैट सर्विस मेंट फॉर देम, कि उन्हें घर जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों को खुश होकर बताया कि मेरी फ्लाइंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, एक क्रू थी, उसने मेरी इतनी हेल्प करी. तो वो चीज़ ना कि उन्होंने घर जाके भी मेरे बारे में डिस्कशन किया है, आई एम सो 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 हैप्पी. अभी भी मैं सोचती हूँ ना उस बारे में, तो आई एम सो हैप्पी. ऑफकोर्स आई रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट एंड अ काफू फ्रॉम द एयरलाइन एज वेल फॉर दिस, बट दैट ईमेल वॉज लाइक 2 पेजेस लॉन्ग, और यूजली सिर्फ कंप्लेन्स आती हैं 2 पेज लंबी, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आते 2 पेज लंबे. बट उन्होंने 2 पेज लंबा कॉम्प्लीमेंट लिख के भेजा था, एंड दैट वॉज द बेस्ट फ्लाइट ऑफ माई लाइफ. और अगर उस कॉम्प्लीमेंट को साइड भी रख दें तो भी उन्होंने जो जाते टाइम, जब वो व्हेन दे वर लीविंग, व्हेन दे वर डिसएम्बार्किंग द एयरक्राफ्ट, उस टाइम पे उन्होंने जिस तरीके से मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया उन्होंने बोला क्या, लेकिन जैसे वो मुझे गले मिले, जैसे उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, कुछ तो बोला नेपाली में मुझे समझ नहीं आया, बहुत प्यार से बात की, एंड दैट वॉज समथिंग दैट यू डोंट एक्सपीरियंस एवरी डे. इवन आफ्टर यू डू सो मच फॉर ऑल द कस्टमर्स, सब लोग नहीं अप्रिशिएट करते हैं आके आपको, बट उन्होंने किया और वो चीज़ बहुत अच्छी थी. सो आपकी नेक्स्ट फ्लाइट में अगर आप जा रहे हो और कोई क्रू की सर्विस आपको अच्छी लग रही है, तो एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट देने में आपका कुछ नहीं जाएगा बट उनका पूरा दिन बन जाएगा. तो प्लीज़ डू दैट फॉर देम, एंड इफ पॉसिबल, इफ यू हैव टाइम, प्लीज़ उनके लिए एक पॉजिटिव फीडबैक भी लिखना. इट रियली इम्पैक्ट्स अस, इट रियली इम्पैक्ट्स आर जॉब एंड आर प्रमोशंस. तो आपके सिर्फ 2 मिनट जाते हैं फीडबैक देने में, बट क्रू के लिए इट्स अ रियली रियली नाइस थिंग एंड अ वेरी बिग डील. तो प्लीज डू दैट व्हेन यू फ्लाई नेक्स्ट टाइम. के कमिंग बैक टू द टॉपिक, द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्लाइंग, द वर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद वन कस्टमर. दिस वॉज अ लंडन हीथ्रो फ्लाइट एंड देर वॉज दिस कस्टमर ऑन बोर्ड विद अ बेबी. सो दिस वॉज नॉट अ बैड कस्टमर एक्सपीरियंस ओनली फॉर मी, बट आई एम श्योर फॉर एवरी वन, एवरी क्रू प्रेजेंट ऑन दैट फ्लाइट. सो दिस फ्लाइट एक्सपीरियंस, दिस एक्सपीरियंस दैट हैपेंड, दिस थिंग दैट हैपेंड वॉज ऑन द वे फ्रॉम दोहा टू हीथ्रो. सो वी आर स्टिल ऑन ग्राउंड, बोर्डिंग इज कम्प्लीटेड, वी आर डूइंग आर सेफ्टी प्रोसीजर्स, वी आर रैपिंग अप द गैली एंड एवरीथिंग फॉर द टेक ऑफ. दिस कस्टमर इज प्रेसिंग कॉल बेल कॉन्टिन्यूसली. दिस गाय इज ट्रैवलिंग विद द बेबी एंड हिज वाइफ. द वाइफ इज स्लीपिंग पीसफुली, द गाय इज कैरिंग द बेबी हु इज क्राइंग. एंड ये ऑन ग्राउंड बता रही हूँ, दोहा में ऑन ग्राउंड है हम अभी, एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड इन द एयरपोर्ट दोहा में, ऑन द बे. अभी टेक ऑफ के लिए हम, मतलब अभी चालू नहीं हुआ है कुछ भी, इट्स नॉट पुश बैक ही नहीं हुआ है अभी. सो दिस गाय स्टार्ट्स शाउटिंग, कॉल बेल बजाया. सो वी आर स्टिल ऑन ग्राउंड एंड दिस कस्टमर स्टार्ट्स येलिंग, आस्किंग फॉर अ बेबी बैसिनेट. द कंपनी प्रोसीजर सेज एंड द कॉमन सेंस ऑल्सो सेज दैट द बैसिनेट विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द टेक ऑफ वंस इट इज सेफ टू मूव फॉर द क्रू ऑल्सो एंड सेफ टू गेट अप फॉर यू एंड इट्स सेफ टू कीप द बेबी इन बैसिनेट, राइट. पर उनका कहना था सर का कि हम बेबी को बैसिनेट में ही रखेंगे इवन फॉर द टेक ऑफ. दिस डजेंट मेक एनी सेंस, क्योंकि टेक ऑफ तो जो सीट होती है सबसे आगे वाली, उसके आगे जो बल्कहेड होता है वहाँ पे हम उसको अटैच करते हैं. तो इट्स लाइक अ बास्केट जिसके अंदर बेबी को रखते हैं, देन वी पुट अ सेफ्टी नेट. आई वेंट देयर, आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम दैट इट्स नॉट द कंपनी प्रोसीजर एंड आफ्टर द टेक ऑफ एज सून एज द सीट बेल्ट साइन गोज ऑफ आई विल कम एंड पुट द बैसिनेट फॉर यू एंड यू कैन कीप द बेबी इन द बैसिनेट थ्रू आउट द फ्लाइट एंड इफ देयर इज एनी टर्बुलेंस यू विल हैव टू रिमूव द बेबी एंड एवरीथिंग. एंड ही वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव द बेबी
from the bassinet no matter what for the entire flight. And he started showing attitude and everything, but because I love my job, I ignored the attitude, I ignored the way he was talking, and I ignored everything. And I carried on with my duties. I sent my supervisor there. My supervisor went and spoke to him. This guy settled down somehow. Now, after the takeoff, seatbelt signs are still on. I think Farish ki awaaz aa rahi hogi. So, after the takeoff, the seatbelt signs are still on. And this guy just got up from his seat, baby ko lekar, and started shouting, I need a bassinet right now. And we are trying to tell him, sir, the seatbelt signs are still on. It's not safe to move. Please sit down on your seat. Please be seated. Please keep the baby back. Bachche ko leke baith jao seat pe. But this guy is not. We ran to the seat to get him a bassinet. Abhi this guy starts shouting that I don't want a bassinet anymore because you didn't provide it since I was asking pehle se, on ground se, I don't want it now. And he started being aggressive, okay? He started abusing the crew. He started abusing the CS, the supervisor, and he had a baby bottle, like a feeder. He started shouting and he threw that feeder on the supervisor. Started being aggressive. And ye sab karna unhone chalu kar diya, chilla rahe hain. Ek crew ko apna bachcha pakda diya hai. And he's saying, ab main bachche ko haath nahi lagunga, I'm not going to hold the baby now. The wife is also sitting there, she's also not replying. Wo bhi kuch nahi bol rahi hai, she's supporting her husband in this. He's like, I'm not going to hold the baby anymore, and you are going to hold the baby now, and you are not supposed to put him in the bassinet. We are not supposed to hold the baby at the first place. Ye rule hai company ka. I'm not going to hold your baby. The weather is so bad these days. I mean, it's raining and aisa bahut awaaz aa rahi hai. Thunderstorm. This guy started shouting, started throwing things, and we had to inform the captain, and then we gave him a verbal warning that, you know, because it was a physical threat to our safety, to the crew. If he does anything like that again and throughout the flight, the legal actions will be taken. And that's what we explained to him, and somehow he settled down after having meal. See, I understand. Maybe you had a connecting flight and you were in Doha for a very long time and you were very frustrated with the baby, or bachche ke saath travel karna bahut mushkil hai and everything. But I never asked you to travel with the baby, and I never asked you to take our airline, and I never asked you to, you know, not feed the baby on ground. You should have taken care of all these things. It's your responsibility, it's your decision to have the baby, and it's your responsibility to take care of the baby. It's not the crew's responsibility, right? So jo bhi cheeze ho, I understand on ground bahut si cheeze hui hongi, maybe ground staff ke saath behas hui ho ya kuch hua ho. तो मुझे कैसे पता यार, मुझे नहीं पता ना कि आपका ग्राउंड में क्या, ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, या आपकी पिछली फ्लाइट पे क्या हुआ है, या आपका लास्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस कैसा था. आई हैव नो आइडिया. व्हाई आर यू शाउटिंग एट मी? कंपनी प्रोसीजर है, कंपनी ने बना के वो रूल्स दिए हैं, मैंने अपने आप से घर से नहीं बना के लाए हैं. तो ये चीज़ें कस्टमर्स को समझनी. यू कम इन अ डिफेंसिव मोड, बट यू हैव टू बी पोलाइट बिकॉज यू आर अ क्रू. चिल्ला नहीं सकते वापस, यू कैन नॉट शाउट एट देम, यू कैन नॉट अब्यूज देम, यू कैन नॉट, जो भी मन में आ रहा है वो चीज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू कैन नॉट लेट योर इंट्रूसिव thoughts win at that point of time. That is one thing. Maybe you can say one disadvantage of being a crew, that no matter what the other person is saying or other person is abusing to you, of course you can give them warnings and everything, but everything has to be done according to the procedures. Or aap khud se koi action nahi le sakte ho, to company ke rules ke hisab se sab kuch hoga. So yes, that's one thing. So that was one of the worst passenger experience of my flying career as of now. I'm sure I'll meet many गुड पैसेंजर्स आगे चल के, और बहुत से गंदे पैसेंजर्स भी मिलेंगे. वर्स्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस भी रहेंगे और बेस्ट भी रहेंगे. बट दैट्स अ पार्ट ऑफ दिस जॉब, दैट इज़ व्हाट आई साइंड अप फॉर. मुझे पता नहीं था, बट दैट इज़ व्हाट आई साइंड अप फॉर. एंड यस, दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कॉमेंट्स एंड योर थाट्स ऑन दिस इन द कॉमेंट सेक्शन. आपको क्या लगता है कि इन दोनों सिचुएशंस के बारे में आपका क्या कहना है, ये आप ड्रॉप कर सकते हैं अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स पे. और प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को ऑन योर इंस्टा स्टोरीज एंड विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप एंड स्प्रेड इट एवरीवेयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय, सी यू अगेन इन अनदर वीडियो.